गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग प्रणव पाठक, या गुड इवनिंग प्रणव। सो वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल एंड वेलकम टू अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी राइट नाउ। गाइस, इफ यू आर सब्सक्राइबिंग अनअकैडमी यू विल बी गेटिंग डेली लाइव क्लासेस, अराउंड 100 प्लस लाइव क्लासेस डेली बेसिस पर अलग अलग सब्जेक्ट्स की इसमें ऑनलाइन होती है। इन लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर्स अपने क्वेश्चंस अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप पोल्स के आंसर दे सकते हैं। यू विल बी गेटिंग स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जस्ट लाइक द बेसिक क्लासरूम प्रोग्राम, जस्ट लाइक द रियल क्लासरूम प्रोग्राम, पूरा ऑर्गेनाइज लेक्चर प्लान होते हैं। इसमें फैकल्टी एकदम आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको प्रिपेयर करते हैं। यू विल बी गेटिंग लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, इन लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में आप अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस देख सकते हैं। एंड यू विल बी गेटिंग अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप पूरे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। सो गाइस, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप राइट नाउ, इट इज अ वंडरफुल ऐप एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशन। इट इज अ फुल्ली फीचर लोडेड ऐप एंड लॉट्स ऑफ लेटेस्ट कंटेंट विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द अपकमिंग एग्जाम्स ऑन 4th October। सो जस्ट डाउनलोड इट। डेली बेसिस पे मेरी 3 to 4 classes जो है अनअकैडमी ऐप पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसको डाउनलोड करना जरूरी होगा। सो गाइस, मायसेल्फ गौरव गुप्ता, आई एम ऑथर मेंटर मोटिवेटर, हैव बीन टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 8 years, हैव मेंटर्ड मोर देन 85,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद वेरियस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली एंड दिस इज माई अनअकैडमी लिंक। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक है। अनअकैडमी ऐप, जब अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड करेंगे उसमें मेरे प्रोफाइल को सर्च करिएगा, आप प्रोफाइल को सर्च करके फॉलो कर लेंगे, आप मेरी कोई भी क्लास मिस नहीं कर पाएंगे, सारी क्लासेस के अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पर मिलेंगे। सो गाइस, यू विल गेटिंग क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स इंक्लूडिंग मी, आप अपने पसंद के एजुकेटर से अपने टाइम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। एंड राइट नाउ वी हैव 15,000 प्लस कोर्सेज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी। सो गाइस, अनअकैडमी प्लस में आपको मिलता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। यूपीएससी की तैयारी में क्योंकि मिनिमम 2 साल का टाइम लगता ही है, तो आई वुड रिकमेंड की सब्सक्राइब फॉर 2 ईयर्स सब्सक्रिप्शन। 2 साल की सब्सक्रिप्शन फी है यहाँ पर 64,000 rupees। GG10 कोड अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड योर फी विल बी 57,600 rupees। फॉर 1 ईयर द फी इज 44,000। इफ यू अप्लाई दिस कोड GG10 आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड योर फी विल बी 39,600 rupees। गाइस, अनअकैडमी आइकॉनिक इज द लेटेस्ट वेरियंट, इसमें आपको प्लस कोर्स के फीचर जैसे कि लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर शेड्यूल तो मिलता ही है। इसके साथ इसमें आपको पर्सनल कोच की फैसिलिटी, डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक भी मिलता है। इसकी 2 ईयर्स की फीस है 99,000 rupees। GG10 कोड अप्लाई करोगे इंस्टेंटली आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड योर फी विल बी 89,100 फॉर 2 ईयर्स। इसकी 1 ईयर की फी है 64,000। GG10 कोड अप्लाई करेंगे इंस्टेंटली आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा and your fee will be 57,600 rupees. Let us start the session now guys. So today we will doing, we will start atmospheric pressure belt. Today, aaj hum start karenge atmospheric pressure belt. Okay. Yes, good evening Avnish, Prajesh, Arpit, Varsha, Manila, Hani, Rudrani, Pranav Pathak, सब लोग जो अटेंडेंस लगा दो, जितने लोग ऑनलाइन है सब जो अटेंडेंस लगा दो। यस, जितने लोग ऑनलाइन है सब लोग अटेंडेंस लगा दो पहले एक बार। यस गाइस, सो पूरे अर्थ पे जो विंड सर्कुलेशन है, दिस इज द ग्लोबल विंड सर्कुलेशन। ओके, these are the latitudes, like these are the subtropical region, this is the subpolar region. अब ये कैसे डेवलप होता है आज इसको हम समझेंगे। ये विंड सर्कुलेशन पूरे अर्थ पे हमारे ऐसे चलता है। ओके, पूरे अर्थ पे द ग्लोबल विंड सर्कुलेशन इज लाइक दिस एंड हाउ दिस सर्कुलेशन इज जनरेटेड, नाउ वी विल गो इन टू द डिटेल्स। राइट, या गुड इवनिंग हिमांशु, गुड इवनिंग हिमांशु, गुड इवनिंग अर्पित, वर्षा, अवनीश, प्रणव, एनिज्ञाति, रुद्रानी। क्या, सो दिस इज द एक्चुअल पिक्चर। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं इस टाइम पे भी जो पूरे अर्थ का जो विंड सर्कुलेशन सिस्टम चल रहा होगा वो भी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा होगा, वो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है।
नाउ ये विंड सर्कुलेशन जनरेट कैसे हुआ है, अब हम इस पे बात करेंगे। इसके लिए हमारे कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए पहले, इसके लिए हमारे पहले कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेक आउट योर रजिस्टर एंड पेन, प्लीज टेक आउट योर रजिस्टर एंड पेन। हेलो गणेश, ड्रीम आईएएस, या सबने रजिस्टर पेन रेडी कर लिए? यस गणेश नमस्ते, या हेलो दीपा, एवरीवन रेडी विद देयर रजिस्टर्स एंड पेन्स? सब लोग रेडी है रजिस्टर्स के साथ? स्टार्ट ड्राइंग द डायग्राम, पहले समझना इसको। देखो दिस इज अर्थ एंड अर्थ इज अ जियोड शेप और प्लैनेट। अर्थ की शेप कैसी है? जियोड शेप। पोल्स पे कंपैरेटिवली अर्थ जो फ्लैट है, एंड इक्वेटर्स पे इट इज बल्जिंग, इट इज बल्जिंग आउट, राइट? तो व्हाट इज अ जियोड शेप? इट इज पोलर फ्लैटनिंग, पोलर फ्लैटनिंग and equatorial bulging, BULGING। मेरी इमेज के पीछे तब क्या होगा शायद ये पोलर फ्लैटनिंग एंड इक्वाटोरियल बल्जिंग, राइट? नाउ दिस इज सन एंड दीज आर द सन रेज। Now you can see कि जो सन रेज है दे आर टेकिंग शॉर्टेस्ट टाइम टू रीच द इक्वेटर, एंड ये इक्वेटर पे एकदम सीधी पड़ रही है, और जैसे जैसे सन रेज अर्थ के दूसरे पोर्शन पे जा रही है तो अर्थ रेज इनको सन रेज को काफी ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल करना पड़ रहा है, और साथ के साथ ये एकदम तिरछी पड़ रही है, इन पर टिल्टेड पड़ रही है। इतना क्लियर हो रहा है? यस, इतना दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? दिस मच पोर्शन इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ये तो समझ में आ रहा ना कि अर्थ जो है इक्वेटर पे ज्यादा सनरेज गिर रही है, एंड कंपैरेटिवली बाकी पोर्शन पे जो सनरेज आ रही है वो कम आ रही है। इतना सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर टेल मी प्लीज। यस गाइस, this much portion clear to everyone or not? Now what happens, now tell me one thing, this is place A, this is place B and this is place C, in teeno mein sabse zyada heat kaun absorb kar raha hai? In teeno mein sabse zyada heat kaun absorb kar raha hai? A, B, C, which of the following three absorbing the most sun rays? Yes, in me se sabse zyada sun rays kaun absorb kar raha hai, please tell me. Yeah guys, please tell me. Sabse zyada sun rays kaun absorb kar raha hai? Yes, A is receiving maximum heat. A is receiving maximum heat. Now सपोज टेम्परेचर में एंड एयर प्रेशर में इनवर्स रिलेशन होता है, टेम्परेचर एंड देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट मींस दिस मींस इफ टेम्परेचर इज हाई, इफ टेम्परेचर इज मोर प्रेशर विल बी लो, इफ टेम्परेचर इज लो तो प्रेशर विल बी हाई, राइट? एंड एयर हैज अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर हैज अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर,
अब ये रिलेशनशिप हमने डिवाइस कैसे किया, आज इसको भी देखेंगे। आज हम इसको भी देखेंगे कि टेम्परेचर प्रेशर के इनवर्स कैसे होता है, ये भी देखते हैं। सपोज मान लीजिए दिस इज अ प्लेस ऑन द अर्थ, ओके दिस इज अ प्लेस ऑन द अर्थ एंड हियर इट इज द सन एंड दीज आर द सन रेज। So this is a place A, this is place A and this is place B and here also the sun rays are reaching. Okay, and sun rays are reaching here also. Clear guys? Now tell me, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, राइट अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर जाएंगे या पास आएंगे। इफ वी आर हीटिंग एन ऑब्जेक्ट सो विल इट मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर और दे विल कॉम्पैक्ट विद ईच अदर। टेल मी प्लीज, एकदम बेसिक से समझो सारे लोग, एकदम बेसिक से, ठीक है कि टेम्परेचर प्रेशर के, टेम्परेचर में प्रेशर में इनवर्स रिलेशन कैसे है उसको समझो यहाँ पर। तो टेम्परेचर अगर हमने ज्यादा बढ़ा दिया है, अगर आप वाटर को बॉइल कर रहे हैं तो वाटर आइस में कन्वर्ट होगा या वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ऐसे बताओ मुझे। अगर आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा या आइस में कन्वर्ट होगा? ऑब्वियसली वेपर में कन्वर्ट होगा। सेम चीज यहाँ पे होती है। अब प्लेस ए है, यहाँ पे सन रेज कम डिस्टेंस से पहुंच रही है और एकदम वर्टिकल एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होकर पहुंच रही है। इसका रिजल्ट ये होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पे जो गैसेस है ये गैसेस एक्सपेंड होके वाटर वेपर्स की फॉर्म में ऊपर उठना चालू कर देती है, ठीक है। ये गैस यहाँ से वाटर वेपर्स के फॉर्म में एक्सपेंड होके ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है, ओके। नाउ ऑन द कंट्रेरी यहाँ पे प्लेस बी पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है, प्लेस बी पे, यस प्लेस बी पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है, यहाँ पे जो एयर है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। मान लो वाटर वेपर्स है, वाटर वेपर्स कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं ना, ड्यू ड्रॉप्स, ड्यू ड्रॉप देखे ना उसकी बूंदे। अभी गर्मियों में जब ठंडा पानी पीते हो तो स्टील की ग्लास पे ड्रॉपलेट्स क्यों जम जाते हैं? इसलिए जम जाते हैं क्योंकि जो वेपर्स है वो कूल होके लिक्विड वेपर्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यहाँ पे गैसेस कॉम्पैक्ट हो रही हैं, कंडेंस हो रही हैं और एक ही जगह पे ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं। व्हाइल ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जब हम देखें तो यहाँ पे गैसेस एरिया से एक्सपेंड हो रही है और एरिया को ना फ्री छोड़ रही है। यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा और यहाँ पे क्योंकि एयर एक ही जगह कंडेंस होकर गिर रही है यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा। इट विल डेवलप अ हाई प्रेशर, इट विल डेवलप अ लो प्रेशर। तो क्या होगा, ये जो एयर है यहाँ से, ये एयर इस वैक्यूम को फिल करने के लिए हाई प्रेशर से सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ये विंड सर्कुलेशन क्रिएट हो जाएगा। यस, अरे आप ड्रॉप्स को वार्निंग के लिए क्यों समझ रहे हो, ऐसे भी देख लो ना, ये अभी मेरी वाटर बॉटल ठंडी है, ये देखो सारे ड्रॉप्स इसमें दिख रहे हैं। ये क्या है, ये कंडेंस हुए वेपर्स, कंडेंस हुआ है, कंडेंस हुआ है कूल टेम्परेचर की वजह से, ओके ऐसे ही देख लो इसको, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दिया है। यस, इतना रिलेशन समझ में आ गया। तो हमने टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन कैसे निकाला है, ये सबको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया ये बता दो पहले मुझे जल्दी से। हाँ जी बच्चों ये बता दो सब लोग, सब जल्दी से मुझे, इज दिस क्लियर टू एवरीवन और नॉट, कि हाउ वी हैव डिराइव्ड इनवर्स रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिजिक्स में कोई भी लॉ लगता होगा, मैं आई एम नॉट कंसर्न अबाउट फिजिक्स लॉ, ये हम ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल जो चीज हो रही उसके हिसाब से हमने ज्योग्राफिकल लॉ मान लिया इसको। यस, सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए मुझे। हाँ जी सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके चलो अब देखते हैं कि अर्थ पे कैसे होता है।
Now let us see how the pressure systems are developed on Earth. So guys, so this is Earth, this is equator, 0 degree line. This is pole, 90 degree north and 90 degree south. And this is sun, which is vertical over equator and which is sending its rays obliquely on rest of the part of the world, on the rest of the part of the earth. Okay. Now what happens? क्योंकि इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा हीट है, तो यहाँ की जो विंड्स है इक्वेटर में जो विंड्स है ये बेसिकली ऊपर उठना स्टार्ट करेंगी. जब ऊपर उठना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक लो प्रेशर बन जाएगा. And that will be known as equatorial low pressure belt. That will be a equatorial low pressure belt. तो क्यों बनाए? क्योंकि जो winds है, ये winds जैसे expand होके ऊपर upper atmosphere की तरफ move करना चालू कर दिया इन्होंने. Okay. अब इस location पे, this is a subtropical zone around 30 degree north. And this is 30 degree south. Technically, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 30 degree से 35 degree तक भी वेरी करेगा. और जो प्रेशर बेल्ट्स है, these are mobile zones. अब क्या होता है बेसिकली गाइस, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया है और इस रीजन में ये वाली जो बेल्ट है 30 degree north एंड 30 degree south, यहाँ पे इक्वेटर के कंपैरिजन में टेम्परेचर कम है. यहाँ पे इक्वेटर के कंपैरिजन में टेम्परेचर कम है, तो यहां पर इस बेल्ट में हाई प्रेशर डेवलप होगा या लो प्रेशर डेवलप होगा, आप ही बता दो मुझे. यस, आप ही बता दो मुझे, इस बेल्ट में हाई प्रेशर डेवलप होगा या लो प्रेशर डेवलप होगा दोनों साइड में. एक बात ध्यान रखना, जैसा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में होगा. थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है वो लैंड फॉर्म्स की वजह से होता है, लैंड पार्ट की वजह से, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड पार्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर. यस, अब यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर डेवलप होगा क्योंकि टेम्परेचर कम है इक्वेटर के कंपेरिजन में. राइट, यहाँ पे क्या डेवलप होगा, हाई प्रेशर डेवलप होगा क्योंकि इक्वेटर के कंपेरिजन में यहाँ पर टेम्परेचर कम है. तो क्या होगा, यहाँ से इस हाई प्रेशर बेल्ट से विंड्स जो है इस लो प्रेशर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी. विंड्स है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे यहां पे. एंड बिकॉज द टेल ऑफ दीज विंड्स, आपको मैंने बताया ना कि विंड ईस्टर्ली या वेस्टर्ली कैसे पता करेंगे, तो ये एक स्केल ऐसे ड्रॉ कर लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. अगर विंड इधर से आ रही है, विंड की टेल किधर है, नॉर्थ को और साउथ को हम इग्नोर करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर टेल ईस्ट में दिख रही है. ये कौन सी विंड हो गई, दीज आर ईस्टर्लीज विंड और ट्रेड विंड्स. ईस्टर्लीज विंड्स और ट्रेड विंड्स. Trade winds has been derived from the word trado, a Greek word trado, which means constant direction. Okay. Yes. Clear to everyone? So the wind are coming from high pressure towards low pressure, and these are the easterlies wind. अब ये easterlies winds जैसे ही equator के पास पहुंचने वाली होंगी, तो लगभग 5 degree north और 5 degree south तक
पहुंचते पहुंचते इतनी हीट हो जाती है कि एक्सपेंड होकर ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगी, और ऊपर अपर एटमोसफेयर जब जाएंगी, जब अपर एटमोसफेयर विंड जाती है तो वो टेम्परेचर लूज करती है, तो क्या होगा वहां पर विंड टेम्परेचर लूज करेगी, और क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे जाके बैलेंस जाते होगी, तो ये एक जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लेगी अपर एटमोसफेयर में जाके, और जब विंड बहुत ज्यादा कूल हो जाएगी तो हैवी होके नीचे सिंक करना चालू कर देगी, और इस तरह से क्या होगा एक सर्कुलेशन डेवलप हो जाएगा यहाँ पर। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है? गाइस बताइए, यस साथ के साथ प्लीज रिस्पॉन्स भी कर देते रहो। बिल्कुल अभी मैं उस पर भी आऊंगा, डोल्ड्रम पे और हॉर्स लैटिट्यूड पे, हॉर्स सी नहीं हॉर्स लैटिट्यूड, ब्रिजेश हॉर्स सी नहीं हॉर्स लैटिट्यूड। सो गाइस दिस विल बी कॉल्ड हेडली सेल, दिस विल बी कॉल्ड हेडली सेल। ओके नाउ अब जब ये विंड ऊपर से नीचे सिंक कर रही है तो क्या होगा कि एक तो ये लो प्रेशर की तरफ डाइवर्ट होगी दोबारा से, क्योंकि लो प्रेशर है इक्वेटर की तरफ, और इसकी दूसरी ब्रांच इस तरफ चली जाएगी बिकॉज ऑफ द कोरिओलिस फोर्स ऑफ द अर्थ, और मीन वाइल यहां ऊपर से एक विंड आ रही होगी पोलर ईस्टर्लीज, क्योंकि पोल पे सबसे ज्यादा हाई प्रेशर है, सबसे ज्यादा ठंड पोल पे है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई प्रेशर है, तो यहां से एक विंड जो है अर्थ की कोरिओलिस फोर्स की वजह से डाइवर्ट होती है पोल की तरफ, और पोल की तरफ से विंड आ रही होती है ठंडी विंड, और यहाँ पे ये विंड्स दोनों इंटरचेंज होती है, मिक्स होती है, और यहाँ पे ये विंड जो है लेटेंट हीट रिलीज करती है। जब ये विंड यहाँ पे लेटेंट हीट रिलीज करती है तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पे इस जगह पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, दिस इज नोन एज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पे फिर क्या होता है काफी बारिश वगैरह भी होती है, और एक ब्रांच वापिस ऐसे मूव करेगी इसकी, एंड दूसरी ब्रांच इसकी दोबारा से मूव कर जाएगी, तो दिस वन इज कॉल्ड फेरल सेल एंड दिस वन इज कॉल्ड पोलर सेल, हेडली सेल। यस बिल्कुल आता हूँ प्रणव तुम्हारे क्वेश्चन पे, मुझे पता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे, एंड यू आर टोटली फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है ना, फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन, जो भी डाउट माइंड में आ रहा है पूछते रहो। क्लाइमेटोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में ही मजा आता पढ़ने में, क्योंकि इसमें डाउट इतने आ रहे हैं माइंड में, पढ़ाने में मजा आता है, स्टूडेंट बढ़िया बढ़िया डाउट पूछता है, ठीक है। यस मैं इसको रब कर दूं पूरे को, इस पूरे डायग्राम को रब कर दूं मैं एक बार, बिल्कुल वर्षा भी मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी मैं पूरा टॉपिक रिपीट करूंगा, बिकॉज आई नो कि स्टूडेंट्स को ये एक बार में समझ में आता भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल देखो गाइस, अभी ये जो हम इमेज देख रहे हैं, ये वाली इमेज, यहां से चीज को देखते हैं हम कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर, लाइक दिस इज सन, सन ने सन की हीट यहाँ पे पड़ रही है इक्वेटर पे बहुत ज्यादा, तो क्या हो रहा है इक्वेटर पे बहुत ज्यादा हीट होने से क्या हुआ लो प्रेशर डेवलप हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर था, इस हाई प्रेशर से जो विंड्स है ये इधर मूव कर रही है, इस हाई प्रेशर से जो विंड्स है वो इधर मूव कर रही है। ओके ये विंड्स इक्वेटर पहुंचती है, इक्वेटर पहुंच गई ऊपर एक्सपेंड हो जाएंगी, और एक्सपेंड होने के बाद क्या होगा ये फिर ऐसे ये विंड्स एक सर्कुलर मोशन लेना चालू कर देंगी। यस यस सो बेसिकली एक बार पहले इस एनिमेशन को दिमाग में थोड़ा अच्छे से उतारो। ओके
द विंड्स कमिंग फ्रॉम हायर लैटिट्यूड्स, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है विंड, या हीट हो गई, हीट होने के बाद ये अपर एटमोसफेयर में गई, अपर एटमोसफेयर में जाके ठंडी हो गई, और आगे जाके जब ठंडी होकर बहुत हैवी हो जाएगी तो इसी पॉइंट पर आके इसी पॉइंट के आसपास गिरना चालू करेगी नीचे हैवी होके। इस विंड की एक ब्रांच इधर आएगी और दूसरी ब्रांच इसकी इधर मूव कर जाएगी बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के घूर्णन की वजह से, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इसकी एक ब्रांच इधर चली जाएगी। ये रेड वाली ब्रांच ऊपर जा रही है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, एंड इधर ये ब्लू वाली विंड है इट इज कमिंग फ्रॉम द पोल्स। तो ये विंड्स जब दोनों यहाँ पे आके स्ट्राइक करेंगे, टक्कर लगाएंगी, तो इन विंड्स में ये जो विंड है रेड वाली इट इज मोर वार्म एज कम्पेयर टू द ब्लू विंड। इस विंड में जो स्टोर्ड लेटेंट हीट होगी, इस विंड में जो हीट स्टोर्ड होगी वो इस एरिया में रिलीज होनी चालू हो जाएगी, और इस एरिया में जब ये लेटेंट हीट रिलीज होनी चालू हो जाएगी तो अगेन क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, और इस लो प्रेशर को बोलते हैं हम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, दिस इज नोन एज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब क्लियर हुआ कि निकले और हुआ, नहीं तो मेरे पास तीसरा तरीका भी बताने का। एक टॉपिक को मैं कम से कम आज की डेट में लगभग 10 से 12 बार तो बता सकता हूँ तरीके से, मतलब 10 12 अलग अलग तरीकों से बता सकता हूँ। यस बताइए, इस डायग्राम से क्लियर हुआ? टेल मी प्लीज गाइस। नहीं फिर भी सबके एक एक स्टूडेंट, राइट नाउ देयर आर 37 स्टूडेंट्स ऑनलाइन, सबके डाउट क्लियर होने चाहिए, सबके, किसी का भी कोई डाउट है राइट, किसी का भी कोई डाउट है तो जस्ट फील फ्री टू आस्क योर डाउट। पक्का शिवम, पक्का बच्चे, चांदनी, सोनिया, श्योर चांदनी, जेट स्ट्रीम, सडन ऑसिलेशन सब पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है प्रियंका, इस वाले डायग्राम को मैं अब डिलीट करता हूं और एक देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ डायग्राम है उसको हम ड्रॉ करेंगे। देखो आप ऐसा मान लो कि ये अर्थ की एक्चुअल सरफेस है, दिस इज द एक्चुअल सरफेस ऑफ अर्थ, और ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज इक्वेटर, ये पॉइंट क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर। ओके ये इस पॉइंट को आप मान लीजिए थर्टी डिग्री साउथ, देन अराउंड 65 डिग्री नॉर्थ, 65 डिग्री साउथ, दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ, एंड दिस इज 90 डिग्री साउथ। ओके हेलो दीप सिंह, ओके गाइस, ये विजुअल, ये क्लियर विजुअल दिख रहा है ना, जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है ना क्लियरली सबको? नाउ इक्वेटर इज शाइनिंग वर्टिकली ओवरहेड ओवर इक्वेटर, इक्वेटर इज शाइनिंग वर्टिकली ओवरहेड ओवर इक्वेटर, और इसकी वजह से क्या है, इक्वेटर पे सीधी सनरेज पड़ रही है एकदम स्ट्रेट, तो इक्वेटर ज्यादा हीट हो रहा होगा राइट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इक्वेटर ज्यादा हीट हो रहा होगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब एयर हीट होती है तो एयर हीट होके इट विल स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड, अब
अब गाइस ये एयर ऊपर मूव कर रही है, तो आप में से काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये एयर ऊपर उठते उठते आउटर स्पेस में क्यों नहीं चली जाती, ये एयर ऊपर उठते उठते आउटर स्पेस में क्यों नहीं चली जाती। लेकिन होता क्या है, इस पे इस विंड इस एयर पे अर्थ की ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है और आउटर स्पेस की ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कैंसिल हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है, अर्थ की कोरिओलिस फोर्स की वजह से ये विंड अपने लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में जाके, और ये वाली विंड जो है अपने राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपर एटमॉस्फेयर में जाके। अब देखो अपर एटमॉस्फेयर में जब विंड चल रही है तो जाहिर सी बात है वहां पे टेम्परेचर इसका बहुत कम हो जाएगा, तो जो कोल्ड विंड होती है कोल्ड विंड काफी हैवी हो जाती है, और एक पॉइंट आके ये विंड इतनी हैवी हो जाती है कि ये यहाँ पे इट विल स्टार्ट सबसाइडिंग डाउन, यहाँ पे आके ये विंड नीचे गिरना स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे आके ये विंड्स जो है नीचे गिरना स्टार्ट करेंगे, इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन लाइक दिस, राइट। देन अब जब ये विंड नीचे आ रही है तो यहां पर क्या है, यहां पे लो प्रेशर है, इक्वेटर पे क्या है, लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर है। तो ये जब विंड नीचे आ रही है तो इसकी एक ब्रांच लो प्रेशर की वजह से वापस इक्वेटर की तरफ मूव कर जाएगी, तो ये इक्वेटर पे लो प्रेशर है, एंड इसकी दूसरी ब्रांच अर्थ की कोरिओलिस फोर्स की वजह से इधर आना चालू कर देगी, बाइफरकेट हो जाएगी, राइट। अब गाइस यहां पर 90 डिग्री नॉर्थ ये सबसे ज्यादा इंटेंस हाई प्रेशर यहां पे होगा, सबसे ठंडा एरिया ये तो अनडाउटेडली सबसे ज्यादा हॉट सबसे ज्यादा कोल्ड होगा, तो यहां पे हाई प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा, राइट। सो व्हाट हैपेंस हियर, इस हाई प्रेशर से एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स चलती है जिनको हम बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज, इस हाई प्रेशर से एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स चलती है जिनको हम बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज। अब होता क्या है, ये वाली जो लाइट ब्लू कलर की विंड्स है इनका टेम्परेचर इस पोलर ईस्टर्ली विंड से कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, तो क्या होगा यहां पर कि ये विंड्स इन दोनों विंड्स की यहाँ पे मिक्सिंग होगी, ठीक है, इन दोनों विंड्स की यहाँ पे मिक्सिंग होगी, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस विंड में जो स्टोर्ड हीट है वो इस रीजन में रिलीज होनी चालू हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट के फॉर्म में ये रिलीज होनी चालू हो जाएगी। अब लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेटेंट हीट स्टोर्ड हीट होती है, ठीक है, लेटेंट हीट क्या होती है, इट इज अ स्टोर्ड हीट इन द बॉडी, ठीक है। ओके गाइस, लेटेंट हीट क्लियर हो गया, यस। यहाँ पे जो होगा काफी सारी क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे जो है फ्रोंटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, क्या होगा, फ्रोंटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, यहाँ पे मतलब बारिश होगी लेकिन हल्की हल्की बारिश होगी, और क्योंकि इस रीजन में लगातार हीट रिलीज हुई है ऐसे लेटेंट हीट, यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर बैंड बन जाएगी, सब पोलर लो प्रेशर बैंड बन जाएगी। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज ध्यान रखना कि बाकी की जितनी प्रेशर बैंड्स है दैट हैज डेवलप्ड ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग ऑफ द सन, बट द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज बीन डेवलप्ड ड्यू टू द डायनेमिज्म ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द डायनेमिक मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ओके, सो गाइस यहां पे जाके ये विंड फिर से ऊपर जाएगी और इसकी एक ब्रांच इधर बाइफरकेट होगी और इसकी दूसरी ब्रांच इधर पोल की तरफ बाइफरकेट होगी,
इस तरह से पूरी अर्थ पे एक विंड सर्कुलेशन सिस्टम डेवलप हो जाता है। सो ये वाला जो सर्कुलेशन था, दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय हेडली, इसका नाम हो गया हेडली सेल। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय फेरल, तो दिस इज फेरल सेल एंड दिस इज पोलर सेल। हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। आप सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस। एंड इवन स्टिल हैविंग एनी डाउट, एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि जब ये विंड इक्वेटर चल रही है तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक आते आते ही विंड इतनी हीट हो जाती है कि ये यहीं से ऊपर उठ जाती है। ये जो यहाँ का जो बीच का रीजन है, ये दिस इज अ डोल्ड्रम रीजन। डोल्ड्रम मतलब एक शांत रीजन है, काम रीजन है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली विंड्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है कोई। तो दिस इज द डोल्ड्रम रीजन, दिस इज द डोल्ड्रम रीजन। यस, सबको क्लियर है ना? मनीला, प्रियंका, चांदनी, प्रफुल्ल, सोनिया, सबको क्लियर है? प्रणव पाठक, प्रणव पाठक क्लियर है? यस, सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का ना? किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर कोई बाद में जब स्टूडेंट कोई रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, अगर आपको भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाउट अपना ड्रॉप कर देना, मैं चेक कर लूंगा उसको एक बार। ओके, अदरवाइज जो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है unacademy_गौरव गुप्ता, आप उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। फिर यस गाइस, क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब एक एक करके इन प्रेशर बेल्ट्स को थोड़ा सा लिख भी लेते हैं इनके बारे में। साउंड्स गुड आइडिया और नॉट? यस, लेट अस राइट सम पॉइंट्स अबाउट वन बाय वन अबाउट दीज प्रेशर बेल्ट्स, राइट? सो एड इन डालो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। कैन आई रब दिस राइस? कैन आई रब दिस? सो राइट डाउन द फर्स्ट हेडिंग। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और ITCZ, ITCZ का फुल फॉर्म होगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और सिंपल वर्ड्स में हम इसको डोल्ड्रम रीजन भी कह सकते हैं। बीच का जो डोल्ड्रम कहाँ का हो जाए, मतलब 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। यस, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इन दिस बेल्ट द ट्रेड विंड्स, इन दिस बेल्ट द ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। ओके, यस गाइस, इन दिस बेल्ट द ट्रेड विंड्स कन्वर्ज एंड दे कॉजेस, एंड दिस रीजन एक्सपीरियंसेस हैवी रेन ऑल्सो, हैवी रेन भी इस रीजन में मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट, और ये किस तरह की हैवी रेन होगी? दिस इज मेनली ऑफ कन्वेक्शनल टाइप।
ये कौन सी रेन होगी? कन्वेक्शनल टाइप की रेनफॉल होगी, दिस विल बी अ कन्वेक्शनल रेनफॉल, हेंस दिस रीजन इज रिच इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दिस रीजन इज रिच इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यस क्लियर है इतना? यस क्लियर टू एवरी वन? इतने पॉइंट्स काफी हैं, बाकी जो स्लाइड्स में भी आपको मिलेगा काफी चीजें पढ़ने के लिए। नेक्स्ट ये आप याद करने के लिए इतना कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट सो दिस बेल्ट लाइज नियर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस बेल्ट लाइज नियर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास है, लगभग 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री की रेंज में ये वेरी करेगी, 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री के बीच में रेंज में ये वेरी करेगी। ओके, दीज आर द regions of anticyclones these are the regions of anticyclones these belts are developed very strongly on oceans as compared to land। yes guys clear हो रहा है? किसी का doubt है बताओ। हाँ जी प्रणव, कैप्रिकॉन मकर रेखा, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, किसी का कोई डाउट है? ओके फाइन, सो दिस बेल्ट डेवलप्स मोर स्ट्रांगली ऑन ओशियंस एज कंपेयर टू लैंड। व्हाई, क्या रीजन है? देखो ओशियन पे एक इनको यूनिफॉर्म सरफेस मिल रही है, एक यूनिफॉर्म इवेपोरेशन हो रहा होगा, यूनिफॉर्म कंडेंसेशन हो रहा होगा, लेकिन लैंड फॉर्म पे तो भाई माउंटेन भी है, प्लेटू भी है, प्लेन एरिया भी है, वैली भी है। तो माउंटेन पे टोपोग्राफी वेरी करती है, माउंटेन पे जो टोपोग्राफी है वो वेरी करती है। ओके यस राइट। नेक्स्ट आता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। नेक्स्ट थर्ड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, तो भाई प्लीज इसका जरूर ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि दिस लो प्रेशर बेल्ट हैज बीन क्रिएटेड ड्यू टू द डायनेमिज्म ऑफ अर्थ रादर देन अनइक्वल हीटिंग ऑफ द सन। ठीक है, बाकी जितने भी प्रेशर बेल्ट्स हैं वो डेवलप हुई है बिकॉज सन जो है पूरी अर्थ को अनइक्वली हीट कर रहा है, लेकिन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है ये बेल्ट डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ द डायनेमिज्म ऑफ द अर्थ
because of the dynamic movement of the earth. Okay, so it is found between 60 degree to 65 degree north south latitude. ठीक है, 60 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड, राइट। दीज बेल्ट्स आर डायनामिकली प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द rotation of earth. Okay, next point, this belt is more intensely developed in southern hemisphere as compared to Northern Hemisphere. Yes, guys, now tell me this. Yes, tell me the reason. क्या reason इसका? प्रणव बेटा, reason तो आप बताओगे ना? This belt is more intensely developed in Southern Hemisphere as compared to Northern Hemisphere. क्या reason है इसका? क्या reason है? Reason बताइए इसका. हाँ जी, रीजन बताइए इसका. व्हाई सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इज मोर स्ट्रॉन्गली डेवलप्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. क्या रीजन होगा? या टेल मी प्लीज. यस चांदनी, वेरी गुड. गाइस देखो, मैक्सिमम जो कॉन्टिनेंट्स हैं, मैक्सिमम जो लैंडफॉर्म है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साइड में है. सदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम ओशियन बॉडी है. ठीक है, तो जब ओशियन बॉडी है तो एक यूनिफॉर्म कंडीशन इनको मिलती है इस बेल्ट को डेवलप होने के लिए. जितनी ज्यादा यूनिफॉर्म कंडीशन मिलेगी, जितनी ज्यादा यूनिफॉर्म फैक्टर्स रहेंगे, उतनी ही जो प्रेशर बेल्ट होगी स्ट्रांगली डेवलप होगी. ठीक है, गेटिंग दिस और नॉट? सो इसलिए क्या है, यस वी कांट से राहुल की एब्सेंस ऑफ लैंड. लैंड तो होता है सदर्न हेमिस्फीयर में भी, बट कंपैरेटिवली वेरी लेस एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो दैट इज द मेन रीजन. क्लियर है सबको? यस, सबको क्लियर है ना ये? Yes, guys. Yes, guys. सबको क्लियर है ना? चलिए. Anyone want to ask any question, please? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? यस प्रियंका, क्या क्वेश्चन पूछना है बताओ? ओके, एंड हियर कम्स द नेक्स्ट वन. सो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट.
पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पीएचपी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सो देखो गाइस, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट तो समझ में आता ही है, इसमें तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं ना समझ में आ रहा हूं। ओके, सो दिस बेल्ट हैज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द लीस्ट, बिकॉज ऑफ द लीस्ट टेम्परेचर ओके, बिकॉज ऑफ द लीस्ट टेम्परेचर। लेकिन गाइस, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, पोलर वॉर्टेक्स। पोलर वॉर्टेक्स का एक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं स्पेशल क्लास में कवर कराऊंगा। ओके, स्पेशल क्लास रख देते हैं या तो कल की रख देते हैं, नहीं तो परसों की रख देते हैं, पोलर वॉर्टेक्स पे। सो पोलर वॉर्टेक्स एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के कंटेक्स्ट में काफी पढ़ने वाली चीज है। ओके, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पोलर वॉर्टेक्स। ओके, यस, देखो लैंड ज्यादा जल्दी गर्म भी होता है, ज्यादा जल्दी ठंडा भी होता है एज कम्पेयर टू ओशियन। ओशियन गर्म होने में टाइम लेगा और ठंडे होने में भी टाइम लेता है, लेकिन लैंड क्या है, इमिडिएटली सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करी, इमिडिएटली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिलीज कर दी। तो लैंड कंपैरेटिवली ओशन के कंपैरिजन में जल्दी हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट देखता है। ओके, इस कॉन्सेप्ट में पोलर वॉर्टेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोलर वॉर्टेक्स, ये चीज हमें थोड़ा ध्यान में रखे चलनी है। जैसे हमने एक चीज क्या देखा था, हमने पोलर सेल देखा था ना, तो पोलर सेल में क्या देखा था हमने कि मान लो ये अर्थ है, तो दिस इज आर, सो पोलर वॉर्टेक्स कहां पे डेवलप हो रहा है, यहां से मान लीजिए ये पोलर स्टलीज नीचे आ रही थी और फिर यहां पे पोलर सेल बन रहा था और यहां पे आके विंड्स, ऊपर वाली जो विंड्स है ये कन्वर्ज हो रही है यहां पे। तो अगर इस सरफेस को हम ऊपर से देखेंगे, मान लो ये हमने अर्थ के इस पोल को ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ पर जो विंड्स हैं वो इस तरह से आके कन्वर्ज हो रही हैं, इस तरह से विंड्स कन्वर्ज हो रही हैं पोल के ऊपर आके। ठीक है, ये पोल की, पोल को हम आसमान से देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये जो कोल्ड विंड्स हैं ये सारी की सारी क्या हो रही हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये कन्वर्ज हो रही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल, ये जो कन्वर्जन से काफी ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है, और ये जो रिंग दिख रही है, ये जो रिंग दिख रही है आपको, ये इसको सर्कल कर रहा हूँ, ज्यादा बोल्ड हो रही है ये रिंग एक्सपेंड हो जाती है। और जब ये रिंग एक्सपेंड हो जाती है तो ये यूएसए और कई कंट्रीज में बहुत ही बुरी हालत कर देते हैं और बहुत ही चिलिंग वाली ठंड, एकदम मतलब कहते ना कड़ाके ठंडी, तड़प तड़पड़ाती ठंड। ठीक है, थोड़ा गला ऐसा खराब हो गया कि मैं पूरी तरह से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि कड़कड़ाती ठंड नहीं होती, तड़पड़ाती ठंड होती है, यानी तड़पा देगी, बर्फ जम जाएगी, गाड़ी बर्फ में दब जाएगी पूरी, इतनी इतनी स्नोफॉल होगी। तो पोलर वॉर्टेक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये न्यूज में आ गया था जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था कि भैया पूरा वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग का शोर करे जा रहा है और यहाँ अमेरिका में इतनी ठंड पड़ रही है। इन्होंने ऐसा कुछ ट्वीट किया था जिसके बाद ये बेचारे बहुत बुरी तरह से ट्रॉल हुए थे कि भैया ये जो इतनी बुरी ठंड पड़ रही है इसके पीछे भी रीजन ग्लोबल वार्मिंग का ही है। ओके, तो पोलर वॉर्टेक्स जो कॉन्सेप्ट है ये अंडर रिसर्च है, लेकिन अभी हमारे पास इसके पास इससे रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन है, राइट? तो इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। सो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट को ध्यान में रखना, राइट? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट को ध्यान रखना। अब गाइस,
मैं आपको एक साथ के साथ चलते चलते इवेंट्स का भी एक आपको आइडिया दे देता हूँ, लेकिन इवेंट्स हम करेंगे कल। तो ये वाली जो इवेंट्स है, दीज इवेंट्स आर ईस्टर्लीज, दीज आर ईस्टर्लीज इवेंट्स। एंड दीज आर ईस्टर्लीज विंड, सॉरी वेस्टर्लीज, दीज आर वेस्टर्लीज विंड्स, और इनको हम एंटी ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं, एंटी ट्रेड विंड्स या फिर वेस्टर्लीज। ये वाली कौन सी हो जाएंगी, ट्रेड विंड्स, और ईस्टर्लीज। एंड दिस इज पोलर ईस्टर्लीज, ये जो विंड्स है दीज आर पोलर ईस्टर्लीज। सो एंटी ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फीयर, ये वाली हो जाएंगी आपकी पोलर ईस्टर्लीज। और यहां पर ये वाला जो रीजन है दिस इज अ डोल्ड्रम रीजन, दिस इज अ डोल्ड्रम रीजन। यस, सबको क्लियर है ये? यस, सबको क्लियर है टॉपिक ये? अब हाँ जी गाइस, सबको क्लियर है टॉपिक? अब ये विंड्स को हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, किस विंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, राइट? किस विंड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, बट आई थिंक प्रेशर बेल्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा सबको, प्रेशर बेल्ट पूरा सिस्टम क्लियर हो गया सबको। ठीक है गाइस, तो फिर इसको हम अभी यहीं पे इतना ही रखते हैं, राइट? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, जो बाद में रिकॉर्डेड सेशन भी देख रहे हैं, तो दे आर रिक्वेस्टेड टू ड्रॉप देयर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, एंड मैं उसको एक बार चेक करके उसी पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, अदरवाइज यूज माई दिस अनअकैडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, दिस इज अनअकैडमी _ गौरव गुप्ता। एंड गाइस, इफ यू आर सब्सक्राइबिंग एन अकेडमी, सो यूज माई कोड GG10, यूज माई कोड GG10, राइट? यस, चलिए गाइस, सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन टुमारो। क्लासेस की टाइमिंग्स मैं आपको अपडेट कर दूंगा जल्दी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। केशव अग्रवाल, आप एनसीईआरटी बुक्स से स्टार्ट करिए, ठीक है? एनसीईआरटी बुक्स से स्टार्ट करिए पहले, फिर फिजिकल ज्योग्राफी में जीसी लियोंग पढ़ेंगे, एंड माजिद हुसैन बुक आपकी एक एडवांस लेवल के प्रिपरेशन के लिए रहेगी, दैट मच विल बी सफिशियंट फॉर यू। या थैंक यू ब्रिजेश, आई विल श्योरली टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।